नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप में हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। व्हाट्सएप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड के साथ जरूर से आप चैट करते होंगे, ऐसे में अगर आपके फ्रेंड व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर लेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ओपन करोगे और यहाँ पर देखिए दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आप ये सोचने लग जाते हैं आपके फ्रेंड ने व्हाट्सएप पर आपको क्या मैसेज किया था जो उन्होंने डिलीट कर दिया है। मैं आप सभी को इस वीडियो में हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये डिलीटेड मैसेज के ऊपर क्लिक करके डिलीट मैसेज को रिकवर करके फिर से रीड कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो किस तरीके से डिलीट मैसेज को फिर से रिकवर कर पाओगे, इसके लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए व्हाट्सएप ट्रिक्स। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, व्हाट्सएप में ये डिलीटेड मैसेज रिकवर करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि सही एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सको। और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप पहली बार ये एप्लीकेशन फोन में ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करने को मिलेगा, उन सारे परमिशन को अलाउ कर देना ताकि प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन आपके फ़ोन में वर्क करे। और यहाँ पर देखिए चैट, यहाँ से आप डिलीटेड मैसेज रिकवर कर सकती हो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टेटस डाउनलोड कर सकती हो, इमेज रिकवर कर सकती हो, वीडियो रिकवर कर सकती हो, वॉइस रिकवर कर सकती हो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑडियो रिकवर कर सकती हो, डॉक्यूमेंट रिकवर कर सकती हो। मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए मैसेज आप रिकवर कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं दूसरे फ़ोन से यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करूँगा और यहाँ से मैं मैसेज कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने मैसेज किया और यहाँ पर देखिए और एक मैसेज यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ से ये मैसेज मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से मैसेज मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से देखिए डिलीट, और यहाँ पर देखिए डिलीट फॉर एवरीवन, यहाँ से मैसेज को मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ व्हाट्सएप ओपन करके, और यहाँ पर देखिए मैसेज यहाँ पर देखिए डिलीट हो चुका है। और ये मैसेज रिकवर करने के लिए, रीड करने के लिए एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर चैट ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, यहाँ पर देखिए वो दो मैसेज जो मैंने डिलीट किया था। तो इस तरीके से आप मैसेज फिर से रिकवर कर सकती हो और यहाँ से स्टेटस भी डाउनलोड कर सकती हो। अगर कोई आपके पास कोई इमेज सेंड करेगा फिर इमेज को डिलीट कर देगा, यहाँ से आप इमेज भी रिकवर कर सकती हो, वीडियो भी रिकवर कर सकती हो। और यहाँ पर ऊपर देखिए सेटिंग आइकॉन है, सेटिंग आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एप्लीकेशन पर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकती हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।